नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर वाले रेमेडी, जिसे प्याज से बना के दिखाऊंगी। दोस्तों, बहुत कोई का रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों के स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो रखे हैं, बालों की लंबाई बढ़ती नहीं है, बाल रूखे सूखे बेजान से हो रहे हैं। तो आज मैं ऐसा होम रेमेडी लेके आई हूँ, यकीन मानिए आपने अच्छे से वीडियो को देख के समझ लिया तो एक सप्ताह के अंदर ही आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। इसका जो फ़ायदा है वो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। बालों को झड़ना एकदम से रोक देगा। अभी बारिश का समय है, बारिश के समय में बाल वैसे भी कमज़ोर सा हो जाता है कि समस्या अभी के सीजन में ही सभी कोई के साथ होता है। तो क्यों ना उस समस्या को हम लोग घर में पड़े कुछ ही चीज़ों से दूर कर लें। यदि आपको भी बालों के लिए बनाने हैं कोई भी रेमेडी तो आप वीडियो को पहले पूरा देख के अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आप बनाएं। हड़बड़ करके वीडियो को देखें ना, आप भगा भगा के वीडियो को ना देखें, नहीं तो हो सकता है कि आपके रेमेडी अच्छा से ना बन पाए। और हाँ दोस्तों, लगाने से पहले मन में एक विश्वास ज़रूर बनाइएगा कि हाँ ये लगाऊंगी तो हमें ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा, तभी कोई भी रेमेडी हो बालों के लिए या फेस के लिए वो फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 2 प्याज। यदि आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्याज का साइज थोड़ा छोटा वाला होना चाहिए। छोटा प्याज भी ज़्यादा असर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है ये छोटा प्याज में बालों के लिए जो प्रॉपर्टी होता है इसमें ज़्यादा मिलता है। अभी क्या करेंगे देखिए, इसके आगे पीछे का ये जो है इसको हटा देंगे और इसका छिलका को छीलेंगे। प्याज में सल्फर होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको बालों में लगाते हैं हम लोग, स्कैल्प पे लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज़ी से बढ़ता है और इससे हमारे बालों का डैंड्रफ भी हटता है और हमारे बाल जो है तेज़ी से बढ़ना शुरू भी हो जाते हैं। प्याज का तेल के बारे में तो आपने बहुत दिन पहले से ही सुन रखा होगा कि हमारे बालों के लिए प्याज का तेल बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। तो आज मैं इसी प्याज से आपको ऐसा सीरम बना के दिखाऊंगी जो कि कुछ ही दिनों में आपके बालों पे असर दिखाना शुरू करेंगे। अभी बनाना कैसे है आप वीडियो को कंप्लीट देखें। छिलका हटा के अलग रखा है मैंने। आप प्याज को इस तरीके से 2 टुकड़े में कट कर देना है और प्याज का साइज आप देखें, इससे भी एक छोटा वाला प्याज होता है वो यदि आपको मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा आपका रेमेडी बनेंगे। इससे ज़्यादा छोटा प्याज लीजिएगा तो प्याज का मात्रा आप बढ़ा दीजिएगा। अभी प्याज को देखिए इस तरीके से एकदम से बारीक बारीक करके कट करेंगे, लंबाई में कट कर लीजिएगा जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सारे ही प्याज को हमें अच्छे से इसी तरीके से कट कर लेना है। दोस्तों, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का और सस्ता से सस्ता में वो बन भी जाए, जो हम लोगों के घर में चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसमें ही मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कुछ अलग करने का। तो आप लोग भी ज़रूर से सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही प्याज को बारीक करके कट कर ली हूँ। आज जो मैं आपको रेमेडी बना के दिखा रही हूँ दोस्तों, तो ये 2 तरीके से आपके बालों पे असर करेंगे। यदि बाल आपके गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसको झड़ने से बचाएंगे। यदि बालों में हल्का फल्का सा अभी जैसे 1-2 बाल आपके वाइट होने शुरू हुए हैं और असमय बाल पकना शुरू हुए हैं, सफ़ेद हो रहे हैं बाल, तो उसको भी ये सफ़ेद होने से बचाएगा। बालों के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, स्कैल्प एकदम से सूखे सूखे से रहते हैं, तो ये ड्राइनेस को भी कम करता है बालों के अंदर से और हमारे स्कैल्प को साफ़ सुथरा और बाल को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। तो ये सारे ही तरीके से ये गुणकारी बन के आज तैयार होने वाला है।
तो इसमें आप बाल बढ़ाना चाहते हैं उसमें भी फायदा होगा, बाल आपके सफेद हो रहे हैं वो उसमें भी फायदा होगा। तो मिला जुला के ये जो होम रेमेडी आज होने वाला है बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला। तो चलिए अब सारे प्याज को कट कर लियो, छिलका भी साइड में है और जो इसका मोटा वाला पार्ट रहता है वो भी साइड में है। चलिए अब बनाने का तरीका बताती हूँ और इसमें क्या चीज़ें हमें अभी और डालने हैं वो भी दिखाती हूँ। एकदम सिंपल सा इसमें सामग्री जाएंगे जो कि हर जगह हर घर में मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से इसे बना सकते हैं। यदि आपके पास लोहे की कोई कढ़ाई है तो आप इसमें ही ये रेमेडी को बनाएं। हर रेमेडी मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। आप नए हैं, आपने नहीं देखा होगा तो आपको बताना पड़ेगा। आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और यदि आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप स्टील के कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ही करना होगा। तो चलिए मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो ये कढ़ाई में डालेंगे 1 गिलास पानी 2 प्याज के लिए, पानी को थोड़ा सा पहले गर्म होने देंगे। यदि आप स्टील के कढ़ाई में इसको बना रहे हैं तो जिस कढ़ाई में आप बनाना चाहते हैं उसमें लोहे का एक कील इस तरीके से डाल दीजिएगा, तो जो इससे आयरन निकलेगा लोहे के कील से वो हमारे रेमेडी के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये जो हम लोग बाल के लिए बना रहे हैं सीरम उसके अंदर आ जाएगा और वो वही काम करेगा जो लोहे की कढ़ाई में बनाने से आएगा। तो यहाँ पर आप कील जो पतला वाला होता है जो हम लोग दीवार में कील लगाते हैं वो भी 3-4 आप डाल सकते हैं, और मोटा कील है इस टाइप का तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो स्टील के भी कढ़ाई में या कोई भी बर्तन में आप बना रहे हैं तो इसमें लोहे का कील जरूर डाल दें। अब पानी गर्म हो चुका है, अब सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज का छिलका को। जितना प्याज आप ले रहे हैं उसका छिलका भी इसमें डाल लीजिए, और छिलका डालने के बाद अभी इसको थोड़ा सा और पकने देंगे अच्छे से। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए तभी आपको समझ में आएगा, आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्याज के छिलके को उबालते हुए 1 मिनट का समय हो चुका है और आप देख पा रहे हैं कि पानी का कलर अभी से आप देखिए कितना ब्लैक हो गया है। देखिए दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैं इसमें लेके दिखा रही हूँ, तो देखिए पानी का कलर कितना ब्लैक हो गया जब तक अभी इसमें कुछ भी डाला नहीं गया है तभी। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा हुआ करी लीव्स, आपके पास है तो आप ज़रूर डालें और नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। आज मैं यही बताने वाली हूँ कि जिनके पास करी पत्ता हर जगह नहीं मिलता है, नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप मेहंदी का पत्ता डाल सकते हैं। तो करी पत्ता इसमें हमें डालना है करीब इतना, यानी कि 2 चम्मच सूखा हुआ। ये भी हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती देता है। कड़ी पत्ते से हमारे बाल जो है ब्लैक होना शुरू होते हैं। कड़ी पत्ता में बहुत ही ज़्यादा गुण पाए जाते हैं दोस्तों। तो आप कड़ी पत्ता का इस्तेमाल अपने खाना में, जैसे कि दाल में तड़का लगा लिए, या कड़ी पत्ता सुबह सुबह खाली पेट 2 से 3 कड़ी पत्ता यदि आप खाते हैं तो आपको जो गैस की शिकायत होती है, अपच की शिकायत होती है, वो सब दूर होता है और हमारा बाल भी झड़ना रुकता है करी पत्ता से। करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा गुणकारी औषधि है, इसे औषधि ही कहा जाए, और खाने के स्वाद को भी ये बढ़ा देता है। अब करी पत्ता डालने के बाद इसको फिर से वापस से थोड़ा सा इसको अच्छे से उबालना है, उसके बाद इसमें डाल देना है कटे हुए प्याज और आँच को कम कर देंगे। जब इसमें प्याज डालेंगे तो आँच को कम कर देंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और अच्छे से इसको उबलने देंगे। अब इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आए, हमारे बाल जो है एकदम रूखे सूखे बेजान हैं तो वो एकदम स्मूथ हो जाए बहुत ही सुंदर सा। तो इसके लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती भी हर घर में मिलता ही है, तो 1 चम्मच ही चाय की पत्ती डालेंगे। ध्यान रखिएगा, 1 गिलास पानी में 2 छोटे साइज का प्याज, 1 चम्मच चाय की पत्ती और 2 चम्मच सूखा हुआ करी लिप्स इसमें डाला गया है,
और दोनों प्याज का छिलका, और यदि आपके पास सूखा हुआ नहीं फ्रेश करी लीव्स है तो आप फ्रेश वाले भी डाल सकते हैं। 3 से 4 डंडी जो उसका होता है उसका पूरा पत्ता निकाल के इसमें डाल दीजिएगा। ये सूखा हुआ है तो 2 चम्मच में ही बहुत सारा पत्ती आ गया था। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, इससे हमें अच्छा लगेगा और हमें पता भी चल पाएगा हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ से हमारे नए नए दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं। आपको नाश्ता बनाना है गेहूं के आटे के, सूजी के, बहुत ही ज़्यादा झटपट से, तो बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। चाट मसाला की रेसिपी चाहिए होममेड चाट मसाला का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। तरह तरह के पापड़ बनाने हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। होममेड पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला। अब इस सारे चीज़ों को हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसी तरीके से कम आँच पर उबलने देना है, तब जाके ये तैयार होगा। तो चलिए उबलता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए ये सारे चीज़ें उबलते हुए 25 मिनट का समय हो चुका है, और ये अच्छा इसका कलर भी देखिए ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। प्याज को जब आप इस तरीके से दबाएंगे तो आपको लगेगा कि प्याज एकदम से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी ये कड़ा ना रहे। यदि कड़ा रहेगा यानी कि इसका जो तत्व है अभी तक प्याज में बाकी ही है। हल्का हल्का सा इसको दबाते भी रहेंगे इस तरीके से। और इसको लगाना कैसे है, कब तक रखना है, सारी चीज़ें आपको बाद में बताती रहूँगी, और रेमेडी भी तैयार करती जा रही हूँ, और इसको कितना समय तक आप स्टोर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा इसको दबाना शुरू करेंगे, जब ये अच्छे से पक जाएगा तब। और पानी का जो मात्रा है वो भी आप देख पा रहे हैं कि पानी का मात्रा भी कम होता चला जा रहा है। अच्छे से इसको मैश करना है इसके अंदर ही, और ये एकदम से गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, दोनों ही यूज कर सकते हैं अपने बालों के ऊपर। तो अब इसको 5 मिनट तक और पकाना है। 5 मिनट जब पकेगा तो ये थोड़ा सा अच्छे से और सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अब जो है ये अच्छे से पक चुका है, प्याज का कलर आप देख पा रहे हैं, प्याज और जो भी इसमें पत्ती चाय पत्ती सब कुछ जो है अच्छे से गल गया है और फूल गया है। तो अभी कर देंगे गैस को बंद और इसको चूल्हे से नीचे उतार के रखेंगे। अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेना है पोटैटो मैशर और अच्छे से इसको इस तरीके से दबा देंगे। देखिए जो प्याज के अंदर जो जूस चला गया है वो सारे निकल जाएंगे, और अच्छे से मैश होने से ये होगा कि सारा ही प्याज जो है बढ़िया से अपना गुण इसमें छोड़ देंगे, और हमारे बालों के लिए वो अच्छा सा सीरम बनके तैयार होगा। तो आप इसको चाहें तो कोई ग्लास से भी मैश कर सकते हैं, और इस टाइप से पोटैटो मैशर से भी इसको बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए। पीसना नहीं है इसको मिक्सी में डाल के, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको हम लोग पीसेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब लंबाई में प्याज कट करते हैं तो प्याज बहुत जल्दी गल के सॉफ्ट नहीं होता है, आप ये बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी रेसिपी में आप लंबाई में प्याज काटें और गोल प्याज काटें, दोनों में ही आपको अंतर दिखेगा। अब देखिए अब ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, तो अभी लेना है एक छन्नी। आप चाहें तो इसको कपड़े के ऊपर भी रख के छान सकते हैं और छन्नी में भी छान सकते हैं। छन्नी वाला थोड़ा सा गर्म रहता है तभी भी हम लोग छान सकते हैं, कपड़ा वाला थोड़ा सा ठंडा करने का इंतजार करना होता है। तो सारे ही रेमेडी को इसमें डाल देंगे। और हल्का सा इसको दबाएंगे, इससे जो इसमें है वो सब भी निकल जाएगा। तो चलिए पहले अच्छा से छान लेती हूँ पूरे को, उसके बाद आपको बताती हूँ लगाने का तरीका। अब इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो आप चाहें तो कोई स्प्रे बोतल में, जैसे इस टाइप का आता है ना हम लोगों के पास कोई भी सीरम वगैरह का, तो इसमें आप डाल के भी लगा सकते हैं, बहुत आराम से ये लगेगा।
और नहीं तो आप कॉटन इसमें डिप कर लें, रुई या कोई भी सूती पतला सा कपड़ा भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको डिप करेंगे और बाल के जड़ से लेके और पूरा लंबाई की तरफ तक अच्छे से लगाएंगे, बालों के स्कैल्प में, यानी कि जो ये चमड़ी होता है माथा का, उसमें भी बहुत अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा सा रब करके लगाएंगे और पूरे बाल में अच्छे से लगाएंगे। जब अच्छे से ये लग जाएगा उसके बाद इसको सूखने दीजिए, जूड़ा कर लीजिए और बाल को अच्छे से सूखने दीजिए 2 घंटे तक। उसके बाद आप चाहें तो शैम्पू कर लें, या पहला दिन आप सादा पानी से धो सकते हैं और दूसरे दिन शैम्पू कर सकते हैं। सप्ताह में 2 से 3 दिनों तक आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। इससे क्या होगा, इसका असर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए भी हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं कम उम्र में उनका बाल सफ़ेद होना शुरू हो गया उनके लिए भी है, जिनका बाल झड़ रहा उनके लिए भी है, जिनके बालों का लंबाई नहीं बढ़ रहा उनके लिए भी है। तो मिला जुला के ये सारे जो ये रेमेडी है सारे ही बालों की समस्या का निदान करेगा। ये बहुत अच्छा सीरम बनकर आपका तैयार हो गया है, प्याज का सीरम है, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है। तो आप लोग इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रिज में, जो लगा के बच जाए उसको स्टोर कर लें, फ्रिज में रख लें और 2 से 3 सप्ताह तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाए फिर दूसरा बना के रख लें, बहुत ज़्यादा एक बार बना के ना रखें। उम्मीद करूंगी आज की रेमेडी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा जरा सा भी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।